और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इसलिए आए हैं कि बीजेपी के अंदर जो भी गड़बड़ियाँ हैं, कम्युनिज्म का जो मामला है उस पर एक अंकुश लगे, सही सेकुलरिज्म। राबड़ी देवी या लालू यादव और तेजस्वी यादव वाले सेकुलरिज्म ने के सेकुलरिज्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, तो कल मुसलमानों की समस्या होगी, उनके जो मसाइल होंगे उनके मसाइल पर बोलने वाला कौन रहेगा? जहाँ से पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। कुछ ख्वाहिश तो होगी सर, थोड़ा सा हिंट्स तो दिया जा सकता है। जहाँ से हमको देगी हम वहाँ से जीतेंगे, जीत जाएंगे, ये तय है। हाँ हाँ, गठबंधन में मुसलमानों को एक मोहरा बना लिया, एक खामखा का एक नारा दे करके, सेकुलरिज्म का नारा दे करके उनको कुछ लोगों ने घेर लिया। दो चार लोगों की मंडली है, उन लोगों ने घेर लिया और नीतीश कुमार अपने आप को उन्हीं तक महदूद कर दिया अपने आप को। वोट खाने वाली गठबंधन है ये, मुसलमानों का वोट खाते हैं और मुसलमान वोट देते देते इनको ठग। पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इनसे मशवरा करते थे कि मुसलमानों के लिए किस योजना के बारे में बातचीत की जाए और किस योजना को लेकर के मुसलमानों के बीच जाया जाए, लेकिन आज मुनाजिर हसन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं और किन सारे मामलों को लेकर के आखिर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का साथ मुनाजिर साहब ने आप क्यों छोड़ दिया? आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा आपको माना जाता है, नीतीश कुमार के साथ इतना लंबा सफ़र रहा, मंत्रालय रहा, बहुत सारा काम आपने किया, उसके बाद छोड़ने की वजह क्या बनी? छोड़ने की वजह रही नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार ने जी, उनको कुछ लोगों ने घेर लिया, दो चार लोगों की मंडली है, उन लोगों ने घेर लिया और नीतीश कुमार अपने आप को उन्हीं तक महदूद कर दिया अपने आप को जी, और हम लोग हाशिए पर चले गए। न किसी बात में मशवरा है, न किसी काम में मशवरा है, न कहीं। आपने देखा होगा जब हमने रिजाइन लगाया तो पार्टी के नेता लोग बयान दिए कि पार्टियों में नहीं थे ये, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पार्टी में नहीं थे ऐसा बयान आता है लोगों का, तो उस पार्टी में रहने का हमारा कोई मकसद नहीं बचता है। तो ये मामला मुनाजिर हसन के मुनाजिर होने की वजह से था या सभी लोगों के साथ यही मामला था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मुनाजिर होने की वजह से नहीं था, सब लोगों के साथ ऐसा मामला है। लोग घुटन महसूस करते हैं, लोग घुट घुट के रह रहे हैं, लोग अपने अपने ताक में, अपने अपने फिराक में हैं, जिनको जब मौका मिलेगा वो छोड़ करके अपना रास्ता लेंगे। अच्छा, यही वक्त क्यों चुना आपने कि जब यहाँ गठबंधन की सरकार है, दो सेकुलर पार्टियाँ, तीन सेकुलर पार्टियाँ उनके साथ है, तो इस वक्त फैसला लेने की कोई खास वजह? नहीं, गठबंधन की सरकार तो मैं ये सिर्फ वोट खाने वाली गठबंधन है, ये मुसलमानों का वोट खाते हैं और मुसलमान वोट देते देते इनको थक गया। लेकिन अभी भी इनके यहाँ मुसलमानों के लिए कहीं भी एक नंबर कुर्सी पर जगह नहीं है, अगली पंक्ति में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर अफ्तार में भी बुलाते हैं तो मुसलमान खड़े होकर के अफ्तार करते हैं, उनके लिए कुर्सी भी मुहैया नहीं कराई जाती है। इसलिए गठबंधन में मुसलमानों को एक मोहरा बना लिया, एक खामखा का एक नारा दे करके, सेकुलरिज्म का नारा दे करके मुसलमानों को ये लोग वर्गलाने का काम कर रहे हैं और मुसलमान अभी तक धोखे में है। आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा को कि हम चाहते हैं कि बिहार की जो सत्ता है लोगों से विश्वास लेकर के, वोट लेकर के आपको सौंप दे। नहीं, हम चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी एक साफ सुथरे चरित्र के आदमी हैं और उनका चेहरा बिल्कुल सेकुलरिज्म का चेहरा है, सही सेकुलरिज्म,
राबड़ी देवी या लालू यादव व तेजस्वी यादव वाले सेकुलरिज्म ने के सेकुलरिज्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, और जब सीट देने की बात आती है तो मुसलमानों से भी राज्यसभा में यार और काउंसिल में करोड़ों करोड़ रुपया लिया जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अभी एनडीए में हैं, हाँ आप भी एनडीए का हिस्सा हैं जी, जी तो आप नरेंद्र मोदी को सेकुलर लीडर मानते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इसलिए आए हैं कि बीजेपी के अंदर जो भी गड़बड़ियाँ हैं, कम्युनिज्म का जो मामला है उस पर एक अंकुश लगे, और हम उपेंद्र कुशवाहा जी को जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का चेहरा है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दामन थाप करके आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जो बयान ऐसा देते हैं जिससे मुसलमान कभी कभी आहत हो जाते हैं या कभी इस तरह का लांछन लगा देते हैं, तो मुनाजिर हसन इसी मिशन को लेकर क्या है कि हाँ भाई इसको ख़त्म करेंगे, हम माहौल अच्छा करेंगे? हाँ, ये इस पर अंकुश लगेगा, इसमें कमी आएगी। आखिर अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कल मुसलमानों की समस्या होगी, उनके जो मसाइल होंगे उनके मसाइल पर बोलने वाला कौन रहेगा? सारे के सारे लोग उधर अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ होने को है नहीं, तो यहाँ कुछ लोगों को रहना चाहिए और एक बार वोट दे करके देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के देखिए आज मुस्लिम मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूनाइटेड अरब इमारात हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो मलेशिया हो, उनके जो ताल्लुकात उससे नहीं पता चलता है कि मुसलमानों के लिए उनके पास जगह है और मुसलमानों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं वो। लेकिन ये जो दलील आप दे रहे हैं मुनाजिर साहब, तो आपने देखा कि जिस पार्लियामेंट के आप सदस्य थे वहीं पर उनकी ही पार्टी के एमपी ने तो एक आपके मुसलमान एमपी साथी को गाली दिया। किसको? कुंवर दानिश अली को। तो ये भी तो बात आती है ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से रास्ते हमवार हो रहे हैं। देखिए, लीडर ने गाली नहीं दिया ना, वो किसी ने एमपी दिया कुंवर दानिश अली को, वो अलग चैप्टर है। लेकिन नरेंद्र मोदी, आज के जो नरेंद्र मोदी हैं, हाँ वो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को लेकर चलते हैं। वो जब भी बोलते हैं 140 करोड़ जनता का विश्वास हमको है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको मान के वो चलते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप आ गए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जी, चुनाव मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे या वहीं लड़ेंगे जहां से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेगूसराय से हुआ? अगर गिरिराज के खिलाफ लड़ेंगे, गिरिराज का टिकट मिलेगा, मुनाजिर हसन वहां जाएंगे, स्थिति आपको क्या कहा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के कोई नहीं जानता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसलिए ये बात अभी दिल्ली दूर है, अभी इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता है। जहां से पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहाँ से चुनाव लड़े। कुछ ख्वाहिश तो होगी सर, थोड़ा सा हिंट्स तो दिया जा सकता है? जहाँ से हमको देगी हम वहाँ से जीतेंगे, जीत जाएंगे, ये तय है। हाँ हाँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन साहब। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी और जहाँ से हमें टिकट दिया जाएगा वहाँ से हम चुनाव जीत सकते हैं। कार्यकर्ताओं में इनकी पकड़ होगी, पार्टी की मजबूती एक अलग विषय होता है, लेकिन एक जो लीडर होता है उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ में था यकीनन, लेकिन हमारी जो बातें थी, हमारी जो मांग थी, जो सियासत में हिस्सेदारी थी वो नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा कि उपेंद्र कुशवाहा एक सेकुलर लीडर है, उनके साथ जाना चाहिए और लोकसभा का जो चुनाव है पार्टी जहाँ से फैसला लेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा।